आज हम बनाने वाले हैं फरहाली नमकीन और ये मथुरा के पेड़े। हम इनकी रेसिपी देख लेते हैं कि हम इनको कैसे बना करके तैयार करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप आए संध्या इन रसोई में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम नवरात्रि में फरियाल बना रहे हैं। इस तरह से आज हम यहाँ पर बना रहे हैं मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े, जो कि आप सभी लोगों ने खाए होंगे और बहुत ही प्रसिद्ध हैं ये पेड़े। आज हम घर पर बनाएंगे और श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे। तो देखिए आप, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं। सिर्फ ये लिया है मैंने एक कटोरी मावा और ये लिया है मैंने बूरा, शक्कर का जो बूरा बनाया जाता है ना वो है ये, और ये है इलायची पाउडर। और आज हम बनाएंगे मीठा के साथ नमकीन भी। नमकीन में मैंने लिया हुआ है ये बड़े वाले साबुदाने और ये लिए है मैंने मूंगफली दाना एक कटोरी, और ये लिया है मैंने मखाना, और ये कुछ लिए हैं मैंने ड्राई फ्रूट। तो पहले हम बनाते हैं मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े। तो देख लेते हैं हम इनको कैसे बनाना स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। मैंने गैस पर पैन गरम कर लिया है। इसमें हम डाल देते हैं मावा, इसको हम कुछ देर के लिए इसमें भूनेंगे। मैंने एक कटोरी मावा लिया। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितने बनाना हो आप बना सकते हैं। हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। ये पेड़े गाय के दूध से बनाए जाते हैं मथुरा में, इसलिए ये पेड़े पीले कलर के होते हैं। हम मावा को लगातार चलाते हुए डार्क ब्राउन कलर का सेक लेंगे, हम इसको भून लेंगे। ये मावा एकदम से ताज़ा है इसलिए इसे थोड़ा भूनने में थोड़ा समय लग रहा है। इसको हम हल्का ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे ऐसे ही चला करके। आप चाहें तो थोड़ा घी डाल सकते हैं, इसमें घी निकल आया है इसलिए मैंने घी नहीं डाला है। किसी किसी मावा में घी होता है, किसी में नहीं होता है, आप चाहें तो घी डाल सकते हैं इसमें। मैंने फ्लेम को लो मीडियम ही रखा है। हमारा मावा लाइट ब्राउन हो गया है, अच्छा भुन गया है। अब हम इसमें इलायची डाल देते हैं। मैंने 4 कुटी हुई इलायची डाल दी है इसमें। अब हम इसको बाउल में निकाल कर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम पेड़ तैयार करेंगे, जब तक हम नमकीन बनाना शुरू करते हैं। ये हमने बाउल में निकाल करके रख दिया है ठंडा होने के लिए, तब तक हम नमकीन तैयार कर लेते हैं, आइए देखते हैं। कढ़ाई को हम अच्छा तेज गर्म कर लेंगे। हम एक ये डालकर देखते हैं, हमें इसको तेज कढ़ाई में ही तलना है। तेल काफ़ी गर्म हो गया है, अब हम इनको डाल लेते हैं। हमें ऐसे ही तेज कढ़ाई चाहिए थी, ऐसी तेज में ये कम में डालेंगे तो ये अच्छे से नहीं चले जाएंगे। ये अच्छे फूल गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे निकाल लेंगे। अब हम मूंगफली तल लेते हैं। ये हमने निकाल ली है। अब हम ड्राई फ्रूट तल लेते हैं। ये भी हमने निकाल लिए हैं। ये सारी चीजें हमने तलकर निकाल ली हैं। अब हमें एक पैन में थोड़ा सा तेल रख, हमने एक पैन गरम कर लिया है। इसमें हम कुछ पत्ते मीठे नीम के डाल देते हैं। अब हम इसमें मखाना डाल देते हैं और मखाना को हम
क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से भून लेते हैं। आप चाहें तो मीठी नीम डालें, और आपको अगर नहीं खाना है व्रत में तो आप ना डालें। इनको हम क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। ये अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं, ये मखाने अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। हम इसमें निकाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ सेंधा नमक आधी चम्मच, और ये लाल कुटी हुई मिर्ची आप चाहें तो डालें। आप अगर लाल मिर्ची व्रत में खाते हो तो डालें, या फिर आप काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा नमकीन बनकर तैयार हुआ है, फलाहारी नमकीन। आप व्रत में इसे खाइए, बहुत ही अच्छा बना है ये, और आप भी ऐसा नमकीन ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही सरल है बनाने में, बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए बन करके तैयार हो गया है हमारा फलाहारी नमकीन। इसमें हम आधी चम्मच पिसा हुआ जीरा डाल देते हैं। ये हमारा नमकीन हो गया है रेडी। आप भी ऐसा नमकीन ज़रूर बनाइए, और अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सबको शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हमारा ये तैयार हो गया है। जब तक हमारा ये मावा ठंडा होकर रेडी हो गया है, अब हम इसको बनाते हैं। इसमें मिलाते हैं हम, ये हमने लिया है भूरा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला सकते हैं कम ज़्यादा। और इसको अच्छी तरह से मिला करके हम पेड़े बनाएंगे, मथुरा के पेड़, सिद्ध पेड़े। ये बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। आइए हम इनको अच्छी तरह से मसल लेते हैं दोनों को एक साथ, और बनाते हैं हम पेड़े। ये देखिए हमने ये बनाए हैं पेड़े। आप थोड़े बड़े थोड़े छोटे, आपको जैसे भी बनाना है आप बना सकते हैं। हम इसी तरह से सारे पेड़े बना लेते हैं। इनको हम थोड़ा सा, ये बूरा लिया है मैंने, इसमें डिप करेंगे ऐसे। हम इसी तरह से सभी पेड़े बना लेते हैं। हम इस तरह से सारे पेड़े बना लेंगे, उसके बाद हम इनको भूरा में लपेटेंगे। अभी पहले हम इनको तैयार कर लेते हैं बना करके। ये बहुत आसानी से बन रहे हैं, ये ज़्यादा एकदम से ठंडा भी नहीं होना चाहिए मावा को, और एकदम से गर्म भी नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए इसको, तभी ये पेड़े अच्छे बनते हैं। ये देखिए हमने सारे पेड़े बना करके रेडी कर लिए हैं। ये बहुत ही अच्छे पेड़े बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और ये हमारा नमकीन भी बन करके रेडी हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें फराल के लिए तैयार हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है व्रत का, और हमने बनाए हैं मीठा एंड नमकीन। तो आप भी ऐसे मीठा नमकीन ज़रूर बनाइए, और मुझे बताइए कि आपके कैसे बने मीठा नमकीन। और अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखते रहिए, और इसी तरह की रेसिपी मैं आपको दिखाती रहूँगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर अगली रेसिपी में फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में अगली रेसिपी बनाएंगे। फिर देखना आप कि हम कौन सी रेसिपी बनाते हैं अगली फराल की। और अगर आपको कोई भी रेसिपी खाना है, जो भी आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं, मैं आपको वही बना करके दिखाऊंगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।